तंग किया हुआ तुमने यार, जाओ यार मोहल्ले में रहते, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बार बार में तंग करोगे यार। कल हम लोग गए थे रनी कोट के ट्रिप पर, और वो रनी कोट का ट्रिप इतना थकावट वाला था कि बिलीव मी, ट्रिप से तो हम तकरीबन 5 बजे वापस आ गए थे, लेकिन एडिट भी करना था वही व्लॉग, क्योंकि आज मुझे वो व्लॉग अपलोड करना था। वेल सीन ये था कि भाई बहुत थकावट थी, लेकिन फिर भी 12 बजे तक मैंने एडिट किया है। एडिट करने के बाद रात को सोने के लिए गया हूँ, और सुबह को पता ही नहीं चला है कि किस वक्त 10 बज गए। मतलब मैं इतना सोया हूँ आज, बिलीव मी, सुबह को उठा तो आंखें सूजी हुई थी, ये मेरा मुंह भरा हुआ, मतलब ऐसा अच्छा अच्छा महसूस कर रहा था मैं, जैसे फ्रेश ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा नींद की है। खैर व्लॉग को एडिट करते हैं, उसके बाद आज का व्लॉग बनाना भी है। आज संडे है और मसरूफियात बहुत ज्यादा है, घर पे मेहमान भी आए हुए हैं, लेकिन फिलहाल जल्दी से व्लॉग को एडिट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तो भाई सुबह का टाइम है, बल्कि सुबह के आप तो 12 बज चुके, मतलब दोपहर का टाइम स्टार्ट हो चुका है, और पहले तो आपको वेलकम करवाते हैं, मिलवाते हैं अपने। अबे यार क्या हो गया यार, बीच में खड़ा हो जाए दो मिनट के बाद, यार तंग किया हुआ तुमने यार, जाओ यार मोहल्ले में रहते तो, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बार बार में तंग करोगे यार। हमेशा व्लॉग के नाम पे आके खड़े हो जाते हैं, बस चाहते हैं कहीं ना कहीं इनका फोटो आ जाए। खैर सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे ब्रदर इन लॉ जो कराची से हैं, का मामा क्या हाल है आपके सर? आप सुनाए। वैसे भाई का नाम कामरान भुट्टो साहब है, लेकिन मतलब बच्चे सब काका मामा बोलते तो मेरे को भी आदत पड़ गई है ना। दादा सर्दी कैसी है हैदराबाद में? हैदराबाद में कराची से बेहतर है, बहुत अच्छी है। बेहतर है मतलब ज्यादा है जी। और कराची में सीन कराची मतलब यह है कि शाम में थोड़ी सी सर्दी फील होती है हल्की, लेकिन यहाँ पर तो सुबह से फील होती है आपको, सुबह से ही है। और भाई इधर कौन साहब, इधर बात सुनो, कहाँ जा रहा है तू सुबह? लंच खाने? लंच पे बताना नहीं, सरप्राइज है। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, ये हमारी बहन है जो धूप में बैठकर जो है ना अखबार पढ़ रही है, बहुत बिजी लग रही है। डॉन साहब पधार रहे, मतलब आज का जो हमारा व्लॉग है वो स्पॉन्सर्ड है डॉन साहब की, मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छी सा जो नहीं डॉन लगे और राइट फ्रेंड्स, सुबह फाइनली अभी हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पे हमें कुछ खाना है, तो हम फिलहाल गाड़ी से सब उतर रहे हैं। काका मामा जरा ख्याल से उतरना, ट्रैफिक चल रही है इससे ज़्यादा। ये आहिस्ता ये तो आया था, क्या बोला था, निहारी खाने चल रहा, चलो निहारी खाते आ जाओ, उधर अपनी जगह पे चला जाओ, उधर चला जाओ पाके बराबर। काका मामा नियारी कैसी, सही से बता, फेयर कमेंट सही, अच्छी है, बेहतरीन नहीं है? बेहतरीन अच्छी है मतलब आप कराची के मुकाबले के हिसाब से बात कर रहे हैं?
नहीं वैसे ही टेस्ट के हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि बेटर है, अच्छी है। मतलब यह है कि जो नारी मैंने लास्ट टाइम जावेद वाले की खाई थी कराची में, हाँ मतलब यह है कि जाहिद वाले बड़े नाम है, बड़े नाम और अच्छे नाम है। जैसे जाहिद वाला है, जाहिद की भी इतनी अच्छी नहीं है पर मुनासिब है। अच्छा, और आपको जो है जावेद वाले की नहारी चल, आप आएंगे तो फिर चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप जावेद वाले की ट्राई करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा ये अच्छी है वो अच्छी। चलो ठीक ठीक है दादा, ठीक दादा। नहारी कैसी है? अच्छी है। अच्छी है, अच्छी है, सही है, है? सही है, सही है। अरे ऐसे नहीं कर यार। साईं आप भला क्या फरमाएंगे सर, निहारी अच्छी थी या? निहारी बहुत अच्छी थी, जितनी तारीफ करो कम है। और खाने के टाइम पे आप बोलते नहीं, आपने रास्ते में मुझे बोला था। हाँ साईं जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। है हैदराबाद की मज़ेदार पिस्ते वाली चाय, अब इसको मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं कैसी है। बहुत आला, बहुत खूब, बड़ा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है पत्ती का, दूध का और ऊपर से पिस्ते, क्या बात, जबरदस्त। हाँ मज़ा आ गया भाई, सुबह की चाय मस्त चाय ऐसी ही होनी चाहिए। भाई नाच नालो छा तुझो अयाज, चाहे तू ठाई दो या चाहे बियो को ठाई दो, चाहे या बियो ठाई दो। वाह जो कारी करा यार, क्या नाम है इसका? उनजो नालो सांभो। सांभो जी जी, भाई सांभो ने चाय बनाई है यार, बड़ी मस्त चाय है बाबा, जरूर आइए चाय को एंजॉय कीजिए। सर्विस मैंने की है, सर्विस मैंने की है। हाँ भाई सर्विस इसने की है यार, मेरे दोस्त ने मेहनत की है यार, अब इसी चक्कर में मैंने इसको भाकुर पहना है, अभी ये चाय के पैसे नहीं देगा। नहीं दूंगा ये बात, देगा मजाक करो मेरी जान, शुक्रिया मेहरबानी। भाई ये कैसे चाय पी रहे हैं? और मुझे हाथ दो आप।